स्टूडेंट सी है हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 4.26 फ्रॉम पेज नंबर 135 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ठीक है तो इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं इज देयर एनी चेंज इन दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड नाइट्रोजन एटम एज ए रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ठीक है कि पहले जो है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन बी एफ थ्री में क्या है पहले आपको ये फाइंड आउट करनी है और एन एच थ्री में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपको ये फाइंड आउट करनी है देन आफ्टरवर्ड्स ये दोनों आपस में रिएक्ट किए और हमारे पास एक एडक्ट फॉर्म कर दिया ठीक है और इस एडक्ट में अब बोरोन और नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या इसमें कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है आपको ये बताना है राइट right? तो पहले हम क्या करेंगे पहले हम इनकी इंडिविजुअल हाइब्रोडाइजेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे सो यू जस्ट राइट इलेक्ट्रॉनिक configuration ऑफ boron हमारे पास बोरोन का अटोमिक नंबर फाइव आता है ठीक है सो वन एस टू टू एस टू एंड टू पी वन आ गया राइट अब एक्साइटेड स्टेट देख लेते हैं क्योंकि बॉन्ड बनाया तो डेफिनेटली इनमें एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जरूर आएगी सो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ बोरोन वन एस टू टू एस वन टू पी एक्स वन एंड टू पी वाई वन ठीक है क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन यहाँ पे कितने हैं तीन फ्लोरीन है तो ऑब्वियसली अगर शेयरिंग के बेसिस पे चल रहा है तो हमारे पास जो है तीन वैकेंसीज होनी चाहिए तो हम ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं फर्स्ट जो हमारे पास वन एस टू है वो कम्प्लीटली फिल्ड है ठीक है तो इसको हम इनर्ट ऑर्बिटल कहते हैं ओके okay, तो अब हमारे पास क्या आ गई वेलेंस ऑर्बिटल्स की बात करेंगे सो टू एस वन आ गई सो टू एस वन नाओ दो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास किस में आ रहे हैं पी में आ रहे हैं सो so, अब पी में मेंशन में कर लोगे वन इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन ठीक है ये हमारे पास टू पी ऑर्बिटल आ गई राइट right? अब एक के साथ फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया है ठीक है ये सेकेंड फ्लोरीन का बॉन्ड आ गया एंड दिस वन थर्ड फ्लोरीन राइट अब कौन कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही हैं एस ऑर्बिटल और टू पी ऑर्बिटल सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बी एफ थ्री की क्या आ गई हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बी एफ थ्री इज एस पी टू क्योंकि एक एस ऑर्बिटल आ रही है ठीक है और टू पी ऑर्बिटल्स आ रही हैं राइट right? अब हम देखेंगे एनएच थ्री की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है राइट right? सो so, हम पहले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देख लेते हैं सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन का अटोमिक नंबर सेवन आता है ठीक है सो वन एस टू टू एस टू एंड टू पी थ्री अब हमारे पास यहाँ पे थ्री हाइड्रोजन है ठीक है और थ्री ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में प्रेजेंट है वो पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ठीक है सो हम इसकी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं सो दीज आर अब ये तो इनर्ट आ गया वन एस वाला हमारे पास इनर्ट ऑर्बिटल आ गई है सो टू एस में भी ऑलरेडी फिल्ड है लेकिन ये वेलेंस ऑर्बिटल है ठीक है इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे जो हमारे पास टू पी आ रही है उसमें तीन इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो हम ये तीन इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे हम हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे सो वी आर हैविंग थ्री इलेक्ट्रॉन्स अब एक के साथ हाइड्रोजन सेकेंड के साथ दूसरा हाइड्रोजन एंड थर्ड के साथ तीसरा हाइड्रोजन सो so, ये टू पी आ गई सो so, हमारे पास एन एच थ्री की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या आ रही है हम सारी की सारी जो वेलेंस ऑर्बिटल्स है वो कंसिडर करके चलेंगे ठीक है सो so, एक एस ऑर्बिटल एस तीन पी से पहले हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो क्या आ रही है SP3, राइट अब इसमें हमारे पास तीन बॉन्ड बॉन्डपेयर आ रहे हैं सो आप लिख लो कि बी एफ थ्री में बॉन्डपेयर हमारे पास थ्री uh, पेयर है ठीक है और लोन पेयर अगर देखें तो इस केस में हमारे पास जीरो लोन पेयर आ रहा है राइट एंड uh, अगर मैं अमोनिया की बात कर रही हूँ एन थ्री की तो इसमें हमारे पास बॉन्ड पेयर थ्री आ रहे हैं ओके okay? है, okay? अब होता क्या है कि नाइट्रोजन जो है इसका साइज बहुत छोटा है ठीक है तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एक तरह से रिपल्शन जो है वो क्रिएट करनी स्टार्ट कर देता है ठीक है तो अमोनिया क्या करता है अमोनिया अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ठीक है वो बी एफ थ्री के साथ शेयर कर लेता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड ठीक है तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये इसके साथ शेयरिंग करेगा ठीक है ये जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है ये ये यहाँ पे सेटल कर सकता है राइट तो उसकी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की आ जाएगी एस पी थ्री ठीक है आफ्टर Reaction NH three shares its lone pair of electrons with, with BF. ठीक है क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो अमोनिया ने क्या किया अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसके साथ शेयर कर लिया ठीक है जिसकी वजह से अब हमारे पास ड्यू टू विच हाइब्रडाइजेशन ऑफ बी एफ थ्री इज एस पी थ्री बट देयर इज नो चेंज ऑफ हाइब्रडाइजेशन ऑफ अमोनिया ठीक है कि अमोनिया की जो हाइब्रिडाइजेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है क्यों क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक स्पीसीज को बिलोंग करता है लेकिन शेयर जो है वो दोनों स्पीसीज करती हैं ठीक है तो इसकी वजह से बी एफ थ्री की हाइब्रिडाइजेशन तो एस पी थ्री हो गई लेकिन अमोनिया की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एज़ इट इज़ रही